तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में एनआईए की छापेमारी, तलाशी अभियान में जुटी 23 टीमें। आपने 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश कर पंजाब में विपक्ष पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 98 सांगठनिक इकाइयों में सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष अब तक 288 लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि। उत्तर प्रदेश में 14 आईएएस अफसरों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल, 10 जिलों में नए जिलाधिकारी तैनात। राष्ट्रपति मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की अंत्येष्टि में शामिल होने लंदन पहुंची। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश और दुनिया के लिए एक नजीर है। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर ने कहा, बिहार में उर्वरक संकट के लिए भाजपा जिम्मेदार। हैदराबाद मुक्ति दिवस के जश्न को लेकर शाह और केसीआर के बीच जुबानी जंग। एसबीआई के ग्राहकों के लिए बड़ी राहत, बैंक ने मोबाइल फंड ट्रांसफर पर एसएमएस शुल्क किया माफ।